नमस्कार आर फिजिकल एजुकेशन बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कि जो हमारा थंबनेल है अनुदेशक 17,000 मानदेय कोर्ट केस को मीडिया ने भी खूब जगह दी और सभी मीडिया संस्थानों ने सरकार के सच को रखा समाज के सामने। आप सभी अनुदेशक अवगत हैं कि 17,000 मानदेय उनका केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन वो सरकार की कुटिलता पूर्वक पूर्ण जो नीति है उसके कारण आज तक उनको वो 17,000 रुपये मानदेय नहीं मिल पाया। अनुदेशक 2017 से 7,000 रुपये मानदेय पर नियुक्त थे। सपा सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर 8,470 किया था, लेकिन जैसे योगी सरकार आई उन्होंने उनका मानदेय काटकर फिर से 7,000 रुपये कर दिया था। ये देख रहे हैं आप कि उसके बाद अनुदेशकों ने एक कोर्ट केस किया अपना और कोर्ट केस करने के बाद उनकी 17,000 की सुनवाई हुई। उसके बाद उनको सिंगल बेंच ने भी 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया और केंद्र सरकार ने भी कहा कि हम पैसे दे चुके हैं। तो जो अभी उनका लेटेस्ट डबल बेंच से जो निर्णय आया नहीं है, वो रिजर्व रखा गया है। तो अनुदेशकों को उम्मीद है कि उनके पक्ष में आएगा, तो उसकी खबर को आप देख सकते हैं। ये नव भारत नवग्रह टाइम्स है, इसने लिखा है कि अनुदेशकों के 17,000 मानदेय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित, जानिए अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने। मीडिया के माध्यम से क्या होता है कि जब तक आपकी बात समाज के सामने नहीं पहुंचेगी तब तक समाज आपको नहीं जानेगा नहीं तो आपके हक की बात भी वो नहीं करेगा। सारे विपक्षी पार्टियों के नेता, सारे राजनीतिक दल, सारे लोग जब आपकी समस्या को समझते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ पर ध्यान देते हैं और आपके साथ आगे बढ़ते हैं। ये दैनिक जागरण की खबर है प्रयागराज से, इन्होंने भी ये साफ साफ दे रखा है कि अनुदेशकों और पूरी व्याख्या जो पूरा आपका मैटर है उस मैटर को इन्होंने लिखा है। इन्होंने पूरा का पूरा कि अनुदेशक कब से नियुक्त हैं, इनको कितना मानदेय मिल रहा है, मिलना चाहिए था कितना मिल रहा है, कोर्ट ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा। आप क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया की बात सबके सामने पहुँची है और लगातार पहुंचती भी रही है, लेकिन इस निर्णय से लोगों के अंदर एक भावना अनुदेशकों के सहानुभूति के रूप में उनके पास रहेगी कि हम जैसा कि इतने सालों से 7,000 रुपये मानदेय पर कार्य कर रहे हैं और जो सिंगल बेंच है उसका निर्णय आने के बाद भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, मजबूरन उनको कोर्ट जाना पड़ा। बेचारे इस तरह इतने परेशान हैं कि उनके पास कोर्ट फीस तक का पैसा नहीं, 7,000 रुपये में वो कैसे अपने परिवार, माँ बाप, बच्चे और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये समाज के सामने आना और समझना भी जरूरी है। शुरुआत में 31,000 के आसपास